गोलमुरी में रहने वाली एक महिला कांति सिंह के अनुसार उनकी दुकान पर कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद थक हार कर मंगलवार को महिला साक्ची स्थित सिटी एसपी के कार्यालय पहुंची और सिटी एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं मौके पर उन्होंने बताया कि दुकान गोलमुरी चर्च के पास है, जिसे पहले रामचंद्र नामक व्यक्ति को किराए पर दिया गया था, फिर वह उस दुकान को छोड़कर चला गया। तब से दुकान कई सालों से बंद थी। इस बीच एक व्यक्ति आता था और वह कहता था कि यह दुकान उसकी है, लेकिन अब वह इस दुकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, साथ ही ताला तोड़ने का प्रयास भी कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वह सोमवार को दुकान में बिजली का काम करा रही थी, तभी वह व्यक्ति कई लोगों को लेकर आ गया और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर वह उन्हें हमेशा थाने से बेइज्जत कर भगा देती है, साथ ही संबंधित थाना प्रभारी उनसे दुकान की चाबी भी मांग रहे हैं। मामला ये है कि हम लोग का गोलगुरी में दुकान है, जो हम लोग रामचंद्र को भाड़े पे दिए थे। आज हो गया उसको 20 साल। 20 साल होने के बाद वो अचानक से गायब हो गया। गायब होने के बाद वो 10 साल बंद था। 10 साल बंद था तो हम लोग उसको क्या किए थे कि रेंट पे दिए थे कि वो कटते रहेगा। हम लोग इन मेरा पापा टिंपलेट में नौकरी करते, लेकिन अभी मेरे पापा साल भर हुए, मेरे मम्मी का भी डेथ हो गया। डेथ होने के बाद साल भर से वो लोग आके कम से कम 5 साल से वो आदमी हमेशा बोलता मेरा दुकान है, लेकिन हम लोग कभी घुसने के लिए नहीं देते उसको, लेकिन वो चला जाता है। लेकिन अभी फिलहाल 2 महीना से वो आके मेरा भाई को, मेरे को, मेरे को पूरा फैमिली को जान से मारने का धमकी देता है। फिर अभी 2 महीना से एक बार हम लोग का साथ मारपीट किया, जिसका शिकायत हम एसपी ऑफिस से करके गए थे। फिर वो हम बड़ा बाबू को दिए, लेकिन बड़ा बाबू हम लोग का नहीं सुनता है। मेरा भाई और हम दोनों अकेले जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका छानबीन कीजिए कि हम लोग उसको नहीं दिए हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती हम लोग को एक आता बड़ा बाबू सुनते ही नहीं। मेरा भाई को बोलता है 420 का अंदर में अंदर कर देंगे, मेरे को बोलता है चाबी दो नहीं तो तुम लोग अंदर करवा देंगे। हम औरत है, लेकिन मेरे को 25 आदमी जो सिख समुदाय के वो लोग गुंडागर्दी करता है, उन लोगों के सामने मेरे को बेइज्जती किया जाता है। हम लोग जाते हैं तो छोटा छोटा जो पुलिस लोग हैं, जो छोटा वो लोग समझते हैं, लेकिन बड़ा बाबू नहीं समझते। बड़ा बाबू और हम लोग बेइज्जती करते हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल क्या हुआ था, कल हम अपना दुकान को साफ सफाई करके अपना कुछ काम करवा रहे थे कि बंद रहता है, इसी के लिए लोग अटैक करते हैं, बार बार रात को आके हम लोग का ताला तोड़ देता है। ये राजेश अग्रवाल, कभी संजय अग्रवाल, कभी राजेश अग्रवाल, ये लोग आके रात का अंधेरा में ताला तोड़ देता है। मेरे घर के सामने रात को 9 बजे अड्डा जमाता है, दारू पीता है। हम लोग डर से, हम लोग का निकलना मुश्किल हो गया। 2 महीने से हम लोग डर डर से रहते। सिख समुदाय के लोग आके गुंडागर्दी करने लगे, मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मेरा बाल नोचा, मेरा भाई को बार बार सनातन को निकालो, उसको ये करेंगे। तो बीच बचाओ में हम लोग क्या करते, हम लोग फिर पुलिस आए तब जाके बचे हम लोग, नहीं तो हम लोग को तो कल जान से ही मार देता। और आज हम लोग भी, कल भी हम गए थे, हम मेडिकल जाँच करवाए, फिर हम लोग पुलिस के पास गए, लेकिन उन लोग गोलमुरी थाना कोई सुनता नहीं। बड़ा बाबू मालवीय जी जो हम लोग का सुनता ही नहीं है। तो आज कहाँ आप लोग आए? आज हम लोग सिटी एसपी के पास आए कि हम लोग का अच्छा से जांच करें, हम लोग इनका केस को उसको जो भी जाकर अच्छा से कार्रवाई करें। इसी के लिए हम लोग सिटी एसपी को मदद की। एसपी जी बोले कि आप अपना जो भी है प्रॉब्लम अपना रखिए और गोलमुरी थाना जाइए, फिर अपना जो भी मेडिकल वेडिकल है वो सब दिखाइए, तो हम लोग आगे का कार्रवाई करें। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।